एक बार बड़ी श्री रामचंद्र भगवान की। आइए सबको ले चलते हैं हम आज की साप्ताहिक श्री राम कथा रेडियो ऋषिक माध्यम से जो आपके बीच में आ रही है। आप सभी को भव्य स्वागत है। पिछले सप्ताह जहां हमारी कथा विराम हुई थी वहीं पर हम चलेंगे। जितने लोग हमारे पिछले सप्ताह के प्रोग्राम को देख करके अपना आशीर्वाद दिया है हम सबको, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभारी हूं। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल बेटा आपको, सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको, साथ में माधवी बिल्ली पिल्ले जी मीडिया एंड कम्युनिकेशंस रिलेशंस मैनेजर आपको स्वागत, और साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी आपको, श्री राम जी आपको भी अपने सानिध्य में लेते हैं। हमारे आरजेस जयंती पड़ियाची जी और साथ में निमरा पठान बेटी आपको भी, समस्त ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको रेडियो रिश्ते के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने पूज्य माता श्री के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है, स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम, और पूज्य गुरु देव जी विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में आपको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम पर विराजमान बड़ही परम स्नेही आदरणीय प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी आपको भी मेरा बहुत बहुत सम्मान आदर है। हमारे जितने भी आश्रम के विद्यार्थी लोग हैं, आश्रम के जितने सदस्य लोग हैं, जितने साधु वृंद आकर के आश्रम पर अपना आशीर्वाद देते हैं हम सबको, अयोध्या जी के पावन प्रांगण को मेरा पारमार प्रणाम है। चले हम विनोद राणिका जी आपको भी याद कर लेते हैं आज। हाकोट्स, फ्लैटबुश, ऑकलैंड न्यूजीलैंड स्थित इनका कार्यालय, घर बेचने और खरीदने के जितने भी कार्यक्रम है वो आपको समझाते हैं। विनोद राणिका जी आपको धन्यवाद। मितेश प्रसाद भैया आपको भी स्वागत, हमारे चैनल को मैनेज करते हो, और सतीश भैया जी भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सभी मॉडरेटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। चले हम सभी को ही अपने अपने ग्रहों में बैठ करके, अपनी जगह पर बैठ करके श्री भगवान रामचंद्र जी की पावन चरणों को नमस्कार करें हम सब। स्टूडियोज में भी राजे आज हमारे शशि जी आंटी जी आपको भी नमस्कार है, धन्यवाद है। माता श्री आपका भी स्वागत है, और बेटा नमन हमेशा की तरह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बेटा नमन के साथ में आइए चले हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का प्रसंग को शुरुआत करें। ओम स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान
प्रेम सहित आसन धरूं। सुनो कथा करिना श्री सीतानाथ संहारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्त वन्दे श्री गुरु परम्परा। लोकाविरामम् रणरङ्गधीरम् Amen।
श्रोताओं, ले चलते हैं पिछले सप्ताह के प्रसंग में आप सभी को। श्री रामचंद्र भगवान लंका के युद्ध भूमि में रावण के कई बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया। भरत लक्ष्मण सुग्रीव और जितने भी हनुमान जी महाराज आदि बड़े बड़े अंगद आदि सब सेनाओं में एक से एक बलवान वीर, और तब रावण को बहुत दुख हुआ इस बात पर कि आधी से ज्यादा हमारी सेना चली गई है। अब रावण को लगा कि मेरे पास एक विकल्प है, और वो विकल्प क्या है? सोए हुए कुंभकर्ण को जगाना है। रावण गए, जगाने के प्रयास तो करी, लेकिन रावण के जगाने पर कुंभकर्ण तो जागा नहीं। लेकिन हमारे पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं कि 10,000 योद्धाओं ने मिलकर के कुंभकर्ण को जगाया है। कैसे जगाया है? लातों से मारा है, मुष्टिक प्रहार किया है, बड़े बड़े नगाड़े ढोल आदि बजाए हैं उनके कानों में, और तभी कुंभकर्ण पर जब नहीं असर हुआ है तो फिर उनके नाक में बड़ा सा कोई खूंटा रहा होगा, कोई बड़ा सा दरख्त रहा होगा, कुछ रहा होगा जिसको कुंभकर्ण के नाक में गाड़ करके फिर उस पर हाथी चलाए। और इस पर कहा गया कि कुंभकर्ण की नींद का भंग हुआ। जागे तो फिर अपने भ्राता रावण को उन्होंने देखा कि उनके माथे पर बड़ा चिंता छाई हुई है। रावण और चिंता में इस बात को देख करके कुंभकर्ण को लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ठीक नहीं है, और तब पूछा क्या बात है भ्राता श्री, आपके मुख इतने सूखे हुए क्यों है? और तभी रावण ने सब दृष्टांत बताया, सब कहानी बताई। अभी अभिमान से भरा हुआ रावण ने अपना सभी बातें बताई। जब तो जिस दोहा पर हमने कथा को विराम किया था, उस दोहा पर ले चलते हैं आपको। उस दोहा को हम दोहराएं। दस कंदर के वचन सुनी, दस कंदर के वचन सुनी, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी के, सत चाहसी कल्याण सियावर रामचंद्र की। जगदम्बा हरियाणी और सत चाहसी कल्याण, ये कुंभकर्ण कह रहा है। और ये तत्व ज्ञान जो श्री प्रभु राम के विषय में कुंभकर्ण को कैसे मालूम है, ये तो देवर्षि नारद की कृपा वर्षी थी। एक दिन देवर्षि नारद पधारे थे और कुंभकर्ण के पास में कहा कि रावण का वध करने के लिए स्वयं भवभंजनहार श्री नारायण जी अवतार धारण करेंगे, और ये बात का ज्ञात रावण कुंभकर्ण को था। इसलिए उन्होंने अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान का रघुपति के प्रति जो उनका निष्ठा है,
जो उनका प्रेम था उसको अपने ध्यान में रख करके रावण को कई उपदेश दिया। पहला उपदेश दिया, भल न कीन ते निसिचरना अब मुहियाए जगाए सुंदर उपदेश दिया है कुंभकर्ण जी ने रावण को। अभिमान तज दो, अभिमान तज करके और श्री राम का भजन करो, यही में तेरा कल्याण होगा रावण भैया। बिन विचार तुम कारज थाना सीख हम सब भी अपने जीवन में उतारे तो सही। बिना विचार करके कार्य करने का क्या मतलब है? कल्याण नहीं। इसलिए विचार करके हमें कोई कार्य को करना चाहिए। तुम्हारी सभा दस कंधर कार्य कुशल नहीं कोई मंत्रीवर। तुम्हारी सभा में तो बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग हैं लेकिन किसी के पास वो कुशलता नहीं है। सागर पार शिविर स्थापन ओ काहे तुम नहीं कियो दशानन। ये रावण भला सागर पार करके एक छावनी क्यों नहीं स्थापित की? तो बना यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो तुम पुल कैसे बंध सकते? लेकिन तुमने विचारा नहीं कुछ। शूर्पणखा की दशा आपने देखी, उनकी गति क्या हुई थी। इसलिए त्यागिनी की पथ धर्म तजे हरिया पर नारी ओ राजनीति परमारथा तुम सब दीनी विसारी। राजनीति परमारथ के पथ जितने अच्छे गुण
तुमने त्याग दिया रावण, अब कैसा कल्याण चाहते हो? पर नारी हर आया, पृथ्वी के भार को हरण हेतु अवतार लिए हैं जो, वही राम है ऐसा ज्ञान मुझे, नारद ने कहा। हे दशशीष, रघुनाथ जो है ना, उनके सात बड़े बड़े योद्धा हैं, हनुमान जी जैसे, इसलिए कुमार का पथ छोड़ दो, मेरी बात मान लो और उन्हीं के शरण में चले जाओ। कीनहु प्रभु विरोध तेहि देवत, शिव विरंची सुर जाके सेवक। तुमने उससे झगड़ा ले लिया है, तुमने उससे विरोध ठान लिया है, जिनकी सेवा में स्वयं कैलाशपति नाथ शिव जी, जिनकी सेवा में स्वयं सृष्टि के रचने वाला ब्रह्मा जी भी उनकी सेवा में लगे होते हैं, नारद मुनि मोहि ज्ञान में जो कह नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कह कहते हूँ ताही समय नहीं रहे। अगर वो सब ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ तो समय नहीं रहेगा, इसलिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। राम रूप गुणी सुमेरी मन मगन भयहु क्षण, रावण मांगहु कोटि घट, मद और महिष बने। एक जगह एक प्रसंग चल रही थी, तो उस प्रसंग में मैं भी बैठा हुआ था, तो बात छिड़ी कि मैं शास्त्रों में हमारे यहां कहां ऐसा बात लिखा हुआ है कि ये मदिरापान और ये भक्षण आदि जो ना मांस आदि से हमारा मन और हमारे कर्तव्य बिगड़ जाते हैं, तो ये स्पष्टीकरण करता है यहां। अभी कुंभकर्ण कितने तत्व ज्ञान दे रहे थे, पिछले क्या क्या बता रहे थे कि कौन है राम, नारद जैसा गुरु पा करके कुंभकर्ण में वो भावना आई कि राम जी के प्रति उनकी निष्ठा थी, इसलिए तो कह रहे हैं रावण आप मान लो बात मेरा। लेकिन ऐसा जब रावण देखा है तो यहां दो बात आती है, एक तो कहा जाता है कि स्वयं काल के वश में होकर के कुंभकर्ण ने घट घट भर के कोटि घट, अब कोटि तो बहुत होती है, इतने घड़े भर भर करके मदिरा और महिष
भैंस कितने अनेक मगाए। और लेकिन दोहावली क्या कहता है, दोहा कहती है कि रावण मांगहुं कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। रावण जानता है इस बात को कि जब तक ये ऐसे वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, इनकी बुद्धि में प्रार्थना ही होगी, इनकी वाणी में मेरे प्रति प्रयास होगी समझाने की मुझे, इसलिए तो ये कोटि घट मदिरा और महिष आदि मंगवाए। और तब फिर कुंभकर्ण ने क्या किया, चले इसका भाव देखते हैं। महिष खाए करी मदिरा पाना, महिष खाए करी मदिरा पाना, दर्जहू बर जघात समाया, जब महिष खा लिया और मदिरा पान कर लिया, स्वाभाविक है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसा वाणी। आदत पड़ी होती है कभी, दो पियक्कर थे गांव में भैया, बहुत पीते थे, रात दिन नशे में धुत, गांव वालों परेशान, पंचायत बैठी, इन दोनों को गांव निकाला का आदेश करो, अन्य तो आदत सुधारे, हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे इनको देख करके। तो दोनों ने विचार किया, भाई गांव निकाला से अच्छा होगा हम कुछ अच्छे धंधे करें। बोले क्या करेंगे, बोले हम व्यापारी का काम करेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे। बोले हमें तो कुछ आती नहीं, क्या बिजनेस करेंगे। बोले हम आलू बेचें, सब्जी बेचें, आलू बेचें। तो आलू को दुकान लगाने से पहले दोनों ने थोड़ा सा रिहर्सल किया कि एक खरीदार बने और एक दुकानदार बने। तो जो खरीदार बना वो आया, कहा आलू है, बोले है। जो दुकानदार की किरदार कर रहा था बोला है आलू है। तो खरीदने वाला बोला कैसे बोतल बिकते हैं, आदत तो गई नहीं ना। बोले अरे मूर्ख, आलू बोतल में नहीं बिकती। तो बोले तब आलू किलो में बेची जाती, आप इस तरफ आओ, आप दुकानदार बनो, मैं खरीदार बनो। फिर से यह रिहर्सल शुरू हुआ, आए बोले आलू है, बोले है, बोले कैसे किलो बिकती है, बोले 10 रुपया बिकती, 10 रुपया, अच्छा 2 किलो दे दो ना। और 2 किलो इन्होंने तोल दिया, ठीक है, रिहर्सल कर रहे थे तो वह खा, ये है 2 किलो आलू, ठीक है भैया। तो
आदत पड़ी हुई थी बोतल वाली, बोले बोतल लाए, मतलब आलू भरना किसमें, बोतल में भरना, ये पुरानी आदत है जिनका, वो जाता नहीं। इसलिए ये महीश खाए करी मदिरा पाना, गरे जहू वज्र घात समाना, इतना जोर गरजना करी उसने। वही कुंभकर्ण इतने उपदेश दे रहे थे रावण को, अब कहा नहीं। कुंभकर्ण दुर्मद रणरंगा, चले हूँ दुर्ग तजी सेना संगा। इतना ढीठ हो गया कुंभकर्ण के बल, बस हमें ना सेना की जरूरत है ना कुछ। भैंस खा करके मदिरा पान करके ब्रजाघात के समान गर्जा और फिर रण में उतर गया। साथ में कोई सेना नहीं ली उन्होंने। यहां पर पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी एक बात का संकेत कर रहे हैं, जिनमें वो तत्व ज्ञान है जैसे कुंभकर्ण में था, श्री राम जी के चरणों के प्रति स्नेह था, उनके राम जी के चरणों के प्रति प्रीति थी, इसलिए उसने सोचा भाई मृत्यु तो मेरी होगी, इसलिए उसी समय उन्होंने वैराग्य जीवन की उन्होंने संकल्प शायद कर ली होगी कि अब हम यहां से वैराग्य जीवन ही जीऊंगा, क्योंकि जिनके सामने मैं जाने वाला हूं वो कौन है, वो स्वयं जगत के पिता है, वो तीनों तापों को मिटाने वाला है। इसलिए सीधे प्रभु राम जी के पास जब वो पहुंचे और श्री राम जी का दर्शन मिले, उससे पहले विभीषण महाराज जी को पता लग गया कि मेरे बड़े भाई कुंभकर्ण आ रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए, तो आगे आ गए हैं। और कुंभकर्ण जब देखा विभीषण जी को, देखी विभीषण आगे आयो, ओ देखी विभीषण आगे आयो, मुनि पग गई राम सुनाए, मंगल अमंगल हारे, रवाहु सदाई अजीरा विहार, अनुज उठाए हृदय तही लावा, रघुपति भक्त जानी मन भावा। अब इस पर थोड़ा सा और विचार करेंगे। अभी वहां रावण के लिए, रावण के यहाँ पर मदिरा पान करके और बहुत गर्जना करी, न सेना न कुछ साथ में लेकर के, अभिमान की अभिमान करते हुए आया है ना। लेकिन यहाँ जब भविष्य अपने छोटे अनुज को देखा, तो पूज्य चरण क्या संकेत कर रहे हैं हम सबको कि कुंभकर्ण में अभी भी वो तत्व है, अभी भी राम जी के प्रति वो निष्ठा है। यह लिखा है अपने छोटे भाई को उठा करके, क्योंकि छोटे भाई विभीषण ने उनके चरण में प्रणाम करने झुका है और तब कुंभकर्ण ने उसको उठाया। अनुज उठाए हृदय नहीं लावा, अपने हृदय से लगाया। और फिर आगे लिखा है रघुपति भक्त जानी मन भावा, क्योंकि रघुपति के भक्त है ये जान करके उसका मन बड़ा प्रसन्न हो गया कुंभकर्ण का। और विभीषण जी ने अपना सारा कहानी उन्होंने सुनाया,
सात लाते रमन मुही मारा कहता परमहित संत विचारा तेही ग्रानी रघुपति पहाए तेही ग्रानी रघुपति पहायहू दीन जानी प्रभु के मन भायहू कालवश रावण सुनो सुत भयहू कालवश रावण सो की मान अब परम सिखावन धन्य 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 विभीषण भयहू तात इस चरकुल बंधु वंश ते बंधु वंश ते कीना उजागर भजहू राम शो भासुक सागर भजहू राम शो भासुक सागर शिक्षा परद है। कौन कहता है कि लंका कांड में सिर्फ लड़ाई की बात होती है? देखिए ऐसे शिक्षा प्रद बातें राक्षसों के मुंह से भी निकलता है। प्रहलाद भी तो दानव कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने दानव कुल में बहुत बड़े बड़े शिरोमणि भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब हुए ना, तो उनके बाद में विरोचन उनका पुत्र और फिर राजा बलि उनके पुत्र। कहां हरणाकश्यप इतना महापापी अत्याचारी, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद ने भगवान राम का नाम लेकर के हम में तुम में खड़ग खंभ में घट घट मैं व्यापक राम ऐसा उन्होंने अपने पिता श्री को कहा है। कहां तुम्हें दिखाई देता है? राम बोले हम में दिखाई देता है, तुम में दिखाई देता है पिताजी, और ये खड़े खंभ में भी तो दिखाई देता है राम। ऐसे प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि जिन्होंने जब बामन अवतार धर करके प्रभु आए उनके द्वार पर और सिर्फ तीन पग भूमि मांगने के लिए कि मैं तो कहरा एक विप्र और उनके लिए जयजात की क्या जरूरत है, संपत्ति की क्या आवश्यकता है, बस यज्ञ करने के लिए इतना भूमि बहुत है। ऐसे दैत्य कुल में ऐसे प्रखंड विद्वान ऐसे भक्त पैदा हुए हैं। तो आज अगर विभीषण ने प्रभु राम से स्नेह रखा है, इस पर उनके बड़े भाई कुंभकर्ण ने गौरव माना है कि आज राक्षस कुल के विभीषण ने धन्य कर दिया है। और उन्होंने कहा भी धन्य धन्य तेई धन्य विभीषण भयहू तात निशिचर कुल भूषण। कुलभूषण जो कुल का रक्षा करता हो, जो कुल की मर्यादा को पालन करवाता है, जो कुल के लिए यश को कीर्ति फैलाता है, वो कुलभूषण है। ऐसे बंधु वंश ते ही कीन उजागर
भजहुं राम शोभा सुख सागर। करम वचन मन कपट तजी, भविष्य समझा रहे हैं कुंभकर्ण समझा रहे हैं भविष्य को। करम वचन मन कपट तजी, भजहु तात रघुवीर जाऊं ननीज पर सूझ मोही भय काल वश वीर। बहुत सुंदर सीख दिया, इतना सीख विभीषण के लिए बहुत। जाओ, सुत बोला है, सुत का अर्थ है पुत्र, और छोटे भाई को पुत्र ही माना जाता है क्योंकि बड़ा भाई एक पिता समान होता है। और आज कुंभकर्ण ने इनको कहा है अनुज उठा हृदय लिए, फिर कहा धन्य सुत भय काल वश रावण। ये पुत्र रावण तो काल के वश हो गया, इसलिए तुमने बहुत अच्छा किया जो श्री राम जी के चरण में आ गए हैं। और कर्म वचन मन के कपट को छोड़ो, भजा हो तात रघुवीर जा हो ना निज पर मुझ मोही, मुझ पर आप बिल्कुल सोच ना करें क्योंकि हम काल के वश में आ गए हैं। और मैं तो काल के वश में हुआ हूं, इसलिए अब मुझे अपना पराया नहीं दिखेगा। और तुम भी हे विभीषण अपना पराया ना सोच करके श्री राम जी का भजन करो। आज की कथा का सुंदर संदेश, हम सब भी यही करें, हर प्रकार के ग्लानी, हर प्रकार के जलन ईर्ष्या, हर प्रकार के हमारे अंदर की जो बेकारे हैं, जो वस्तु है जो हमें पतन के मार्ग को ले जाता है, उन सब को तज करके श्री भगवान का भजन करने का हमें जो अवसर मिला है उस अवसर को छू के ना हम। नमन बेटा को कहा बेटा मैं एक भजन से आज इस कथा को विराम पर लाऊंगा, तो देखते हैं, मैंने सुनाया तो कभी नहीं, सुना हूं जरूर। हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत कथा व्यापक कथावाचक हमारे संत श्री मुक्तमणि शास्त्री जी के आश्रम पर भी मैंने उनका चित्र देखा था, हमारे प्रेम भूषण जी, और प्रेम भूषण जी के शिष्य हमारे राजन जी महाराज, उनके मुख से मैंने इस भजन को सुना, मुझे बहुत प्रिय लगा। मैं सोच रहा हूं कि इस भजन के माध्यम से एक संदेश अभी कोरोना काल के और बाकी जो बीमारी आई है ओमिक्रॉन आदि, अभी तो कहा गया कि सन ऑफ ओमिक्रॉन भी आया हुआ है, तो कितने और आएंगे मालूम नहीं, लेकिन हम लोग परेशान ना हो, भजन करें। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं।
पृथ्वी से हमारा शरीर बना है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही, यह है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। बचा है सृष्टि वो जिस भूमि, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास के मुख से इनको सुना भी था, पहले कविता के रूप में सुना था, बहुत विचार करके लिखा हुआ शब्द है इसमें। बैठे हैं जो धानियों की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी लालियों में, समाए मेहंदी यूं की लालियों में, हर डाल हर पत्तों में, हर डाल हर पत्तों में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि वो जिस प्रभु ने, वही वो सृष्टि चला रहे हैं। थोड़ी सी टूटियां के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने आज ही लिखा है इसको, तो समय नहीं मिला कि मैं अध्ययन कर पाऊं इसको बेटा नमन के साथ में, लेकिन मुझे लगा कि बस अवसर चूक न जाए, कहीं मैं फिर भूल न जाऊं। आज की कथा का विराम करते हुए मैं पुनः एक बार अपने तरफ से, मैं इस मंच के माध्यम से व्यासपीठ की तरफ से हमारे शिवम सिद्धांत लाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो रिश्ते के आपने मेरा त्रिदिवसीय पिछले सप्ताह सत्येंद्र नंदन जी और सुमन नंदन के घर पर आपने त्रिदिवसीय राम कथा का जो आपने मेरे लिए अपने समय का जो आयोजित किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। बहुत सारे रिस्पांस हमारे उस त्रिदिवस से तो नहीं हो पाया, कारणवश कि हमारे किसी कोरोना का शिकार हुआ था हमारे कोई यजमान, तो इसलिए दो दिन का आइसोलेशन करना पड़ा, तो इस कारण से हम सरकारी कानून को विपरीत में कोई काम करने नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने उसको विराम पर कर दिया है। और ऐसे लग रहा है कि शिव महाशिवरात्रि की रात्रि को हम लोग वापस उसी जगह पर, उसी स्थल पर, इस त्रिदिवसीय राम कथा का जो तीसरा रात्रि होगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। अभी बातचीत चल रही है, जैसे रेडियो रिश्ते के माध्यम से
बताएंगे, क्योंकि शिवरात्रि तो रेडियो रिश्ते के माध्यम से आएंगे हमारे श्रोताओं के बीच में। मैं बेटा नमन स्वामी को पूर्ण अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, और साथ में हमारे जितने भी सहयोगी हैं लोग हैं, जितने लोग हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने भक्त जनों के साथ में, अपने भक्ति पाई जाति से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको फैलाते हैं, मिथिलेश भैया जी, सतीश भैया जी और विनोद रानिके जी, सबको मेरा बहुत बहुत भूरी भूरी धन्यवाद है, और रेडियो रिश्ते के हर एक कर्मचारी को मेरा धन्यवाद है, सभी जितने साधु संतों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और चले हम लोग आज की कथा को विराम करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां नयेन महीश गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं अगले मंगलवार को न्यूजीलैंड टाइम ठीक 7 बजे, तब तक के लिए शुभरात्रि।